वैष्णवी सुप्रिया है, सुप्रिया सुप्रिया कुछ समझ में आया? सुप्रिया को आ गया और समझ में यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? देखो बहुत ही सिंपल सा है, आप अगर इस बस इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा बाइनरी नंबर से, वहीं से पता चलेगा, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में हमें जो मेमोरी की साइज है वो देखना पड़ेगा, फिर जो नंबर जो हमारा जो नंबर जिस फ्रेम में, सबसे पहले हमें यहाँ से फ्रेम पता चल गया। अब फ्रेम जब पता चल गया 4 है, तो हम जब फिजिकल एड्रेस में सिंपली दो पार्ट में ये है, एक फ्रेम नंबर है एक ये है, तो फ्रेम नंबर 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया, और उसके बाद ये हमारा तो सेम है, जाहिर की बात है दोनों की साइज सेम है, पेज साइज की, तो ये हमारा सेम। कलेक्टिवली ये दोनों जब मिला दिया तो ये हमारा हो गया 9। जब ये नंबर 9 है, 1001, ये हमारा 9 है, और 9 पे ही हमारी वो बाइट पड़ी हुई है। यही है, सिंपल सा, बिल्कुल ये आसान है। मेरे ख्याल से बाइनरी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं, बट एक्चुअल में एक बार जब समझ में आएगा तो आपको ये लगेगा बहुत ही आसान है ये। बट दो ही चीजें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, वो है कि जब भी जो वैल्यू जो जनरेट हो रही है, जो हमारा सामने नंबर दिख रहा है, उसको हमेशा हमें जीरो से, बाइनरी से शुरू करना है, जीरो से, और हर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास बाइनरी का नंबर बस क्लियर होना चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जब ये जो लॉजिकल एड्रेस है हमें पता चलेगा फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर पता चल गया हमें तो हमें पता चल गया फिर फिजिकल एड्रेस का। फ्रेम नंबर यहाँ पे आ गया, बाकी ये साइज वही आ गई, फिर इसके अंदर जो नंबर आ रहा है, अब यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हम एक दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, 1 कर देते हैं सपोज, एक चलो ये एग्जाम्पल अब कनेक्ट हुए तो एक और वो कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे ये कह रहा है 1, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम, अच्छा ये इससे नहीं बनाए तो ये इससे नहीं मिटेगा, ये इससे मिटेगा, इरेजर कहाँ इसका है, ये सपोज इसने बोला कि सीपी ने बोला कि मुझे ये 1 चाहिए, ये चलो एक ये अब ध्यान से सुनिए तो शायद इससे समझ आए। 1 हम इसको बहुत ही शॉर्ट में कर दे रहे, सपोज इसने बोला कि आई नीड बाइट नंबर 1, अब 1 ये वाली यानी कि चाहिए, और ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे 5 पे, ठीक है ये यहाँ पे गया है। अब यहाँ पे उसको बाइट नंबर 1 चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली बाइट चाहिए, तो अब एक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी में? अब जाहिर की बात है मेरे पास 2 बिट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कर वो होगा 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यही होता है ना जो अभी मैं लिख रहा था बार बार, और मैं इससे बार बार बता रहा था ये जो चीजें कि 1 2, और ये सबसे आसान है समझने के लिए, 1 2 4 8, तो हमें ये 1 चाहिए, तो 1 को रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है ये 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा हो गया 0 1, ठीक है, ये 0 हमारा पेज नंबर है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा, ठीक है, पेज नंबर, और ये हमारा पेज ऑफसेट साइज है, 0 पेज में फर्स्ट वाली बाइट, यानी 0 पेज में फर्स्ट वाली बाइट, ये हमारा 0 पेज, ये फर्स्ट वाली बाइट। अब आएंगे पेज टेबल में, पेज टेबल में आएंगे तो पेज टेबल में मुझे पता चल गया कि पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में है, ठीक है, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में है, ये है हमारा पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में, यही तो है ना पेज नंबर, तो पेज नंबर 0 हमारा यहीं पे आया है। अब हमें पता चल गया फ्रेम नंबर, ठीक है, यहाँ पे 2 पता चल गया फ्रेम नंबर, अब मैं आ गया फ्रेम नंबर 2 में, ठीक है, फ्रेम नंबर 2 में मुझे कौन सा बाइट चाहिए, ये वाला, ठीक है, आई नीड बाइट 1, तो आई बाइट 1 तो यहाँ पे पड़ा हुआ ना 5 पे, तो फ्रेम नंबर 2 में मुझे जब ये वाला चाहिए, तो अब ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें पता लग गया फ्रेम नंबर 2 में, तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 0, ठीक है, ये है,
आप यहाँ पे देखो ये टू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे जीरो, अब यहाँ पे क्या नंबर आ गया, इसको मैं ऐसे वो कर दे रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो यानी टू, ठीक है, ये हमारा फ्रेम नंबर है, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ फ्रेम नंबर है, और ये तो जाहिर सी बात है कि सेम ही है वो वहां पे वो एज इट इज है, ठीक है, ये तो वही सेम। अब ये कलेक्टिवली मिलके क्या नंबर बन गया, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, जीरो वन जीरो वन। अब ये क्या नंबर है, पांच, ये चार है और ये पांच है, ठीक है, इसके नीचे इसके नीचे, यही तो हमें चाहिए सबसे ब्रीफ में सबसे शॉर्ट। अब बहुत ही समराइज कर दिया मैंने, अब बताइए आप समझ में आया, कौन बोला था नहीं समझ में आया, कोई बोला था ना नहीं समझ में आया है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, कौन बोला था नहीं समझ में आया, यस सर आया, अब आया कुछ समझ में, यस सर आएगा भाई, बाइनरी चूंकि आप नहीं पढ़े आप क्या करें सिलेबस में बाइनरी, अब मैंने ये पिछले ही साल ये दे दिया था, क्योंकि जब बता रहे थे आलिया ने कल बोला ना कि सर वही आप थोड़ा बताए थे, मैंने तो बस हल्का सा हिंट्स किया था, बाइनरी नंबर बहुत जरूरी है कंप्यूटर में आगे करने के लिए, तो आप या तो मैं कोई एक बुक मैंने बोला था एक बुक है उसमें लेके उसको पढ़ लिए, या तो कभी मौका हुआ तो थर्ड सेमेस्टर में अगर मैंने कोई पेपर पढ़ाया या मुझे मौका मिला तो बाइनरी, या फिर कोई अच्छी कोई हम लोग का एक सेमिनार हुआ था उसमें हम लोग को सीडी मिली थी, सीडी में आई थिंक होगा या पता नहीं याद नहीं आ रहा, पेन ड्राइव में बहुत अच्छी एक वीडियो, तो बाइनरी नंबर से शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आज की डेट में, तो बाइनरी नंबर मैं ये कहूँगा सीख लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, अगर आप कंप्यूटर भी उसमें जाते हैं तो बाइनरी नंबर बहुत जरूरी है, और बाइनरी नंबर जाने तो बहुत क्विकली ये चीज आपकी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आलिया समझ में आया कुछ, आ रहा है, यस सर आ रहा है, चलो ठीक है, और कोई बताओ जिसको नहीं समझ में आया मुझे वो जानना है, कोई जरमीन, यस सर आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है सर, आ रहा है अभी, मतलब ये नहीं कह रही कि हाँ आ गया, आ रहा है अभी, आ रहा है का मतलब पूरी तरह नहीं समझ में आया। शीरिन शीरिन कुछ समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा, देखो ऑनेस्टली इसने बोला थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आया तो थोड़ा ही आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो तो बाद में फिर से पूछ लेना, और कोई इसमें कोई बताए भाई, हिमांशु यादव, अच्छा इसमें भी इसमें आ रहा है हिमांशु, यस सर आ रहा है कुछ, यस सर, चलिए ठीक है, वैष्णवी को और सुप्रिया को और श्वेता भी तो है, श्वेता समझ में आया कुछ, क्लास नहीं कर रही हो आप, यस सर, ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं कर रही है श्वेता सर, क्लासेस एग्जाम्स आने वाले इतना दूर आने में, अच्छा अभी से मतलब तैयारी शुरू कर दिया है, तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खुशबू सिंह ने भी क्लास ज्वाइन किया, ये थ्योरी क्लास वो ऑफलाइन तो कभी नहीं आती बट शुक्र है ऑनलाइन, खुशबू सिंह क्या समझ में आया आज, आप तो पहला क्लास कर रही हो आप आईटी, अरे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या समझ में आया है, सारे गर्ल्स ही तो दिख रही हैं यहाँ पे, जरमीन वैष्णवी तमन्ना सुप्रिया श्वेता शीरीन सबा रोशनी रितु और ऊपर जो है आलिया खुशबू नीतू चौहान बॉयज, अच्छा ये प्रीतम कुमार, आप लोग बीकॉम वाले हो, आज आप लोग का क्लास नहीं है भाई, अगर होता तो मैं बताता, प्रीतम कुमार और ये बीकॉम वाले आप लोग भी आ गए हो क्या, सो बताइए कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर से इसको कल वो मैं अब आगे बढ़ूं, मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा था कि एकदम सेम ऐसी सेगमेंटेशन का भी है, ऐसी वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ऐसी कन्वर्ट करता है और ऐसी डिमांड करके ऐसी वो लोकेट करके उसको फेच करता है,
बताइए, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये पूछ लिएगा, नहीं हो तो कहिएगा, हम फिर से बता देंगे। अभी तो आप लोग तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकली एग्जाम में तो ऐसे लिखना नहीं होगा, एग्जाम में तो अगर आया ये पेजिंग तो आप सिंपली वही जो मैंने नोट्स लिखवाया है वैसे लिख देंगे, ठीक है, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। बट थोड़ा सा समझाना जरूरी था क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है, ठीक है। सबा, आपको समझ में आया कुछ? यस सर, थोड़ा थोड़ा। तमन्ना श्रीवास्तव, नीतू चौहान, लास्ट में देखो मैंने बहुत ही आसान सा कर दिया पेज, बाइट वन उसने डिमांड किया, तो बाइट वन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, मतलब ये वन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, तो वो हमने यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस में पहले कन्वर्ट किया, वो ऐसे बन गया लॉजिकल एड्रेस में, ये आपका पेज नंबर है, ये पेज ऑफसेट है। जब ये हो गया तो हमें पता चल गया 01 ये कहाँ पे है, ठीक है, पेज नंबर ये पता चल गया 0 में है, फ्रेम नंबर इससे, ठीक है, और ये हमारा इससे हमने निकाल लिया कि पेज नंबर 0 में, फ्रेम नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि टेबल में यहाँ पे F2 का मतलब ये 0, ये है, यही है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया ये फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 2 में आए तो फ्रेम नंबर 2 यहाँ पे जो साइज है वो कितने में रिप्रेजेंट हो रही है, जाहिर की बात है इसकी साइज आपको पता उसी से कैलकुलेट होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम कैसे कितने डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 में ये वाली जो हमारी डिजिट है वो जाहिर सी बात है ये वाली सेम रहेगी, तो बची हुई डिजिट क्या है, ये हमारी 100 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 100 का मतलब ये 4, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन फ्रेम नंबर 4 को बता, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन ये जो हमने जब कलेक्टिवली सॉरी फ्रेम नंबर इसको बता रहे 010 का मतलब 2, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला है 2 फ्रेम नंबर 2 0 वाला यहाँ फ्रेम नंबर 2 में, और फिर उसके बाद जो है हमने ये जब कलेक्टिवली निकाला तो 0101 ये 0101 बराबर होता है 5 के, 5 वाला ही तो उसको चाहिए, ठीक है, यही है सिंपल से। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार पूछिएगा, ये थोड़ा सा कुछ आइडिया अगर हुआ होगा तो ये काफी है, अब कल आगे मैं वर्चुअल मेमोरी या कुछ और टॉपिक पे करूंगा, अब एग्जाम की डेट जाहिर सी बात है तो अब उसी हिसाब से बताना भी है, और सेमेस्टर में आप लोग बताएंगे, आप लोग मिलके एक ये मैं आप लोग को वो कर रहा हूँ उसके लिए कि आप लोग मिलके कलेक्टिवली बता दो कि कौन सी टॉपिक से ज्यादा आपको आसानी होगी, तो मैं वही वो रखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे बाकी जो मेन पेपर है उसमें तो वो पेपर वो बनाएंगे तो जो ज्यादा ओवरऑल पूछेंगे, बट 12-15 नंबर में आपको ज्यादा जो अभी रिसेंट पढ़े हैं वो अगर याद है तो वही रखते हैं ताकि आप लोग आराम से कर लें, ये नंबर कम से कम क्लियरली आए, ठीक है। चलिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसने अटेंडेंस चैट में वो अटेंडेंस का नहीं भेजा होगा वो सेंड कर दीजिएगा कि ये अटेंडेंस नहीं, मैं काउंट करूंगा, ये आप समझिए एक्स्ट्रा क्लास है जैसे, तो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम? हेलो, वैष्णवी सर, सर मिड एग्जाम कब से है? है सर, एग्जाम किस डेट को है? माइनर कौन सा एग्जाम? आप कॉमर्स के हो ना, आप बीकॉम के हो ना? जी सर। आप बीकॉम के, ये तो सेमेस्टर 3rd का क्लास चल रहा है, इसमें क्यों ज्वाइन किया आज? तो मैंने क्लास नहीं आप लोग को बोला था, आज नहीं है सर। नहीं, आपको दिख रहा है इसमें आपके बैच का कोई, या जो पढ़ा रहे हैं वो आपके बैच की टॉपिक लग रही है? आपके बैच में क्या चार टॉपिक चल रही थी? पाइथन सर। तब पाइथन ऑपरेटर चल रहा है, तो ये कुछ पाइथन ऑपरेटर जैसा दिख रहा है ये? नो सर। तब आप लोग एक सेमेस्टर की डेट 20 के बाद कभी भी आ सकती है, इसके लिए तैयार रहिएगा, 20 के बाद कभी भी हो सकता है। मिड एग्जाम की डेट, मिड टर्म एग्जाम की डेट मैं अभी अनाउंस करूंगा, अभी नहीं किया है उसकी डेट,
Okay, जब आपकी जब आपका एग्जाम बीकॉम की डेट होगी ये क्या अनाउंस? अभी तो नहीं बोल रहे हैं सर। हाँ तो वो हो जाए कि डेट क्लैश ना करे, इसीलिए मैंने अभी अनाउंस नहीं किया। मैं बीकॉम की डेट का वेट कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स की मैथ की मैथ की डेट का वेट कर रहा हूँ। चलिए फिर ठीक है, क्लोज किया जाए। शिरीन, श्वेता, वैष्णवी, सुप्रिया, आलिया बताओ। तो इसका पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। तो इसका पीडीएफ ये जो बनाया है अभी, ये जो सामने लिखा है, यस फिगर। चलिए ठीक है, फिगर ये कुछ आपने कॉपी लेके नहीं बैठे, कुछ ड्रॉ नहीं किया है? सब बैठे सर, उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पष्ट क्लियर है। ठीक है, ये फिगर मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़ाया था ना, तो बड़े इत्मीनान से सब ऑनलाइन ही चल रहा था, तो चूंकि ऑफलाइन कुछ नहीं लिखवाया था, नोट्स भी मैंने नहीं लिखवाया था, नोट्स लिखवाते हो कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए फिर क्लोज करते हैं। बताओ वैष्णवी, सुप्रिया, आलिया, सब लोग बोलो भाई, आप लोग कुछ। सर मिड टर्म का डेट डिसाइड हुआ? नहीं भाई, डिसाइड होगा तो बताएंगे। शिरीन सर, हमारा सर मैथ्स का एग्जाम हम लोग का 7 तारीख को ही है, फिजिक्स मैथ्स का दोनों का, पर आज सिराज सर बोल रहे थे कि वो डिस्कस करेंगे, तो क्या पता मैथ्स का चेंज भी हो जाएगा फिर डेट। अच्छा, ये 7 आप लोग तो सिर्फ बता रही थी, फिजिक्स का है 7 को? सर कल नोटिस आई मैथ्स का भी उसी दिन है, 2 से 3 फिजिक्स, उसके बाद 3 से 4 मैथ्स। हम लोग कैसे देंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तमाशा बना रखा हुआ है। दोनों का एग्जाम एक ही दिन है और 1 घंटे का। सर सिराज सर बोल क्या रहे हैं कि तुम लोग के लिए तो हम लोग तुम्हारे लिए तो तुम लोग के लिए ही नहीं किए हैं कि तुम लोग एक ही क्लास में बैठ के 2 घंटा दोनों पेपर दे दो। हमने सर पढ़ना भी तो हम ही लोग को है, आप लोग को तो पढ़ना ही नहीं है। और क्या ऐसी बात है, तो आप लोग ये कहो कि सर एक टाइम पे मत कीजिए ना, हम लोग यहाँ पे कम से कम 15 नंबर में। हाँ नहीं तो नहीं हो तो जाके उनके हेड से मिलो, ये कौन सी बात है, प्रिंसिपल से जाके मिलो कि सर लगातार 2 पेपर मिड टर्म लिया है, अगर ऐसे लेना तो पहले बता दिए होते 15 दिन पहले, महीना भर की 1 दिन में दोनों साथ लेंगे। अब मैं उसी में क्या वो पूछ लेना ये भी कि क्या कंप्यूटर साइंस वाले सर को भी बोले कि 4 से 5 आप भी ले लिए, तब 3 घंटे का शो कर दीजिए, तमाशे बना लिया। चलिए मैं वो डेट नहीं रखूंगा, ये दोनों जो फाइनल है तब बताइएगा, तभी मैं रखूंगा। लेकिन चूंकि नोटिस ये आई है ना, नोटिस ये आई है कि 12 तक अगले वीक में ले लेना है, यानी अगले वीक का मतलब ये कि 5 तारीख से लेके 10-12 तारीख के बीच में ले लेना है। अब 7 को वो हो रहा है तो 9 को वो ले लेते हैं, तो 12 को हम करते हैं या 11 को करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चॉइस कर रहा हूँ ना कि आप ही लोग बताओ। 12 को संडे, 11 को लीजिएगा। 11 को संडे है, 10 को कर लेंगे या 12 को? 12 को सर, 12 को नहीं, जो भी होगा। देखिए ये हाँ नहीं तो ये आप लोग डिस्कस कर लो, ये मैंने कोई इशू नहीं, आप संडे को भी ले सकते हैं एग्जाम, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ नहीं, लेकिन एक चीज ये आप लोग ना वो कर लो कि क्या क्या टॉपिक का वो करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि मैंने बार बार बोला है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब जब ऐसे हो रहा है तमाशे ही बन के, तो एटलीस्ट ये ना हो कि हाँ इसमें आप लोग कुछ लिख ही ना पाओ। अब 15 नंबर का है तो पता लग 5 और 6 नंबर, 15 नबर का है तो चांसेस मैं ही चाहूंगा ना 12 नंबर 11 12 नंबर मिले। लास्ट ईयर कितने इत्मीनान से हुआ था, अभी कोविड ओविड था उसके बावजूद, इस साल जबकि इतने से शुरू से चल रहा है तो पहले ही कराना चाहिए था। नमीरा अभी ज्वाइन किया क्या? नमीरा नो सर, पहले भी ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा पहले ज्वाइन किया था, तो समझ में आया कुछ आज जो पढ़ाया है? यस सर। क्या समझ में आया है? अब कल पूछेंगे, कल आपसे पूछेंगे, कल आप ही को सब, जो गर्ल्स को नहीं समझ में आया नमीरा को बोलेंगे बताने के लिए सर। चलिए ठीक है, फिर आए आज मैं फिर स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोग का क्या नाम है कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जो बाकी तो कल रहेंगे ही, कौन सा ऑफलाइन है कि नहीं मिलेंगे कल। अटेंडेंस का वो सेंड कर दिया है चैट में और मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है ओके, चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सर, ओके थैंक यू।